Hello children, standing first. Today I am going to take a chapter, special names. Special names can be her insan ka ek special naam hota hai. Jaise for example aapka, agar class mein agar aap aate ho, to madam aapko aapke naam se bulati hai ki whatever naam, Ramesh come here, ya Sonal come here. Ye aapka naam hai. Us naam ko jab madam leti hai, to wo person hi madam ke paas chal ke aata hai. Agar aapko pata hai ki aapka English ka period hai, to English ek subject hai, ek naam hai. कोई स्पेशल नेम हो गया कि सब्जेक्ट का, तो आप इंग्लिश की बुक निकालोगे. पर जब मैडम आएगी तब क्या बोलोगे, मेरी इंग्लिश की मैडम आ गई, तो आप उसका नाम पता होगा कि मेरी मैडम का नाम ये है. अगर आपको मैथ्स की टीचर पढ़ाने आती है, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स रति, तो आपको ऐसा होगा कि रति मैडम आ रही है मुझे मैथ्स पढ़ाने. कंप्यूटर तृप्ति मैम आए, तो ऐसे आपको पीटी कौन ले जाएगा, नीमा मैम. तो ये हर पर्सन का एक नाम होता है. जैसे आपको पूछेगा आपके पापा का नाम क्या है, तो आप बोलोगे मिस्टर, मेरे पापा का नाम है मिस्टर राज पिल्ले, तो आपके पापा का नाम राज. अगर आपको मदर्स डे, तो आप बोलोगे मेरी मम्मी का नाम है सुमन. ओके, तो ये सारे स्पेशल नेम्स होते हैं. और हर चीज का सॉरी, अगर आपके घर में कोई पेट रखा है आपने डॉग, तो आप उसका नाम होगा बादल. कैट है, कैट का बेबी है, तो उसका नाम किटी. तो ये सारे नाम है, स्पेशल नेम्स होते हैं. जैसे बॉय गर्ल है, अगर कोई पूछेगा सिट डाउन बॉय, तो ये कॉमन हो गया. मैडम ने सारे बॉयज को बोला सिट डाउन गर्ल्स. ओके, तो गर्ल्स सिट डाउन. पर जब मैडम बोलेगी गर्ल्स मेक द लाइन, गर्ल्स आके लाइन बनाओ, तो सारी गर्ल्स आएंगे लाइन बना के खड़े हो जाएंगे कि दैट वी आर गोइंग कंप्यूटर क्लास. पर अगर मैडम बॉयज बोलेगी तो फिर बॉयज लेके आएंगे, तो ये कॉमन हो गया, क्योंकि सारी गर्ल्स को आना है, सारे बॉयज को आना है. लेकिन मैडम जब वन पर्सन को बुलाएगी कि सलोनी कम हियर, तो वो स्पेशल नेम जिसका मैंने लिया दैट गर्ल एंड बॉय, राहुल कम हियर, तो राहुल विल कम. दैट स्पेशल पर्सन नेम विद दैट पर्सन हैज टू कम आउटसाइड एंड मीट द टीचर. पर जब मैडम बॉयज और गर्ल्स बोलेगी तो दैट इज कॉमन. ओके, और गर्ल्स में जैसे गीता इज अ गर्ल, तो गीता क्या है, गर्ल है, तो गीता इज अ नेम. रमेश इज अ बॉय, तो रमेश कौन है, एक स्पेशल नेम है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग को जब पूछते हैं राइट योर नेम, आपको जब मैडम पेपर चेक करती है, आपको मैडम क्लास में डिक्टेशन देती है, तो डिक्टेशन में मैडम बोलती राइट योर नेम, तो सारे बच्चे एक ही नाम नहीं लिखते. सब बच्चे जितने क्लास में होते हैं 40-50, ऑल ऑफ यू राइट, ऑल ऑफ देम राइट देयर ओन रोल नंबर. वन से लेके सब 50 रोल नंबर डालेंगे और अपना नाम. वन रोल नंबर राहुल, टू नंबर गीता, थ्री रमेश, फोर सो एंड सो. तो सारे आप अपना नंबर लिखोगे और नाम लिखोगे. वो नाम स्पेशल नेम है, वो बताता है कि ये किसका पेपर है. ओके, दैट थिंग आई वांट टू टेल यू. और जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जाकर जैसे डॉक्टर के पास जाते हो दवा लेने, तो डॉक्टर पूछता है किसकी दवा लेना है, तो आप अपने दादाजी का नाम बताओ कि मेरे दादाजी की खांसी आ रही है, तो दादाजी का नाम लिखेगा. तो दैट स्पेशल पर्सन. अगर आप कहीं जाते हो टेम्पल, तो दैट इज द नेम ऑफ प्लेस. ओके, तो हर चीज का एक स्पेशल नेम होता है. जैसे आपको स्कूल जाना है, तो आपको पूछे व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, तो स्कूल तो बहुत सारे होंगे, स्कूल सारे कॉमन. लेकिन जब नाम पूछा जाएगा व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, तब आप बोलोगे कि मेरे स्कूल का नाम तो स्वस्तिक एकेडमी है. तो वहां पे आपने अपने स्कूल का स्पेशल नेम डाल दिया. नाउ हियर इज द एक्सरसाइज, आई एम गोइंग टू टेल यू स्पेशल नेम. अब देखो यहाँ पे टॉम एंड जेरी आर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में बोला जा रहा है सर्कल द नेमिंग वर्ड्स. सर्कल द नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग यानी जिसका नाम है उसको सर्कल द नेमिंग वर्ड्स एंड अंडरलाइन स्पेशल नेम. तो यहाँ पे स्पेशल क्या है, स्पेशल नेम है टॉम एंड जेरी, किसी का नाम है. लेकिन नेमिंग वर्ड्स क्या हो गया, फ्रेंड्स में नाम नहीं है, ये फ्रेंड्स क्या हो गया, नेमिंग वर्ड. ओके, आई कॉल माई कैट बिल, तो
लिया स्पेशल लिंक, तो आपको यहाँ पे स्पेशल लिंक में डालना है। यहाँ पे जो कॉलम दिए गए हैं स्पेशल लिंक में आप सारे स्पेशल डालोगे और नेमिंग में सारे नेमिंग। देखो माय पैरेंट मिट्टू कैन टॉक, तो मिट्टू क्या हो गया स्पेशल नेम है, वो आप डालोगे यहाँ पर। और पैरेंट क्या है, पैरेंट तो बहुत सारे होते हैं, तो ये पैरेंट आगे नेमिंग है। संगीता लाइक्स यू चॉकलेट, संगीता को चॉकलेट खाना बहुत पसंद है, तो संगीता का एक नाम है, स्पेशल नाम है लड़की का, तो वो आप स्पेशल नेम में डालोगे। और चॉकलेट तो बहुत सारी होती है, तो वो आप डालोगे नेमिंग। अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू नेमिंग वर्ड्स क्या होता है, जैसे फ्रेंड्स है, दोस्त तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब उस दोस्त का नाम लेती हूँ तब वो बन जाएगा स्पेशल नेम, एक खास नाम। तो टॉम एंड जेरी, टॉम जेरी और टियर कार्टून देखो, टॉम कौन है कैट है एंड जेरी कौन है, जेरी इज अ हॉर्स, तो टॉम एंड जेरी स्पेशल नेम। और फ्रेंड्स क्या हो गया, फ्रेंड्स हो गया नेमिंग वर्ड यानी नाम। आई कॉल माय कैट टू यू, तो कैट क्या हो गया नेमिंग, कैट यानी नेमिंग यानी कैट नाम है, नेमिंग वर्ड। ये वो क्या जा रही है कैट्स का, तो वो नेम हो गया, पर उसका अगर नाम जिसने पाला है तो वो बोली गई वो तो नेमिंग है, मंच है, सो मेनी चॉकलेट्स। और यहाँ पे आप चॉकलेट